हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कैजुअल कुर्ते के साथ पहनने के लिए दुपट्टा बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हम कुर्ते में से बचा हुआ फैब्रिक ही यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये कुर्ते का फैब्रिक है बचा हुआ, और इस फैब्रिक का प्रिंट ही कुछ इस तरह का है कि इसके ऊपर लंबे लंबे बॉर्डर्स बने हुए हैं। अगर आपके पास सिंपल प्रिंटेड कुर्ते का कपड़ा बचा हुआ है तो आप वो यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जिस रंग के इस बॉर्डर में फ्लावर्स हैं, मैंने उसी कलर का ये प्लेन कपड़ा लिया है, पीच कलर का मैंने कपड़ा लिया है, और इस तरीके से हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब क्योंकि ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन है तो बहुत ही केयरफुली इसको अटैच करना है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो सिलाई में दबे नहीं। हमें दुपट्टे के एक पल्ले के लिए तकरीबन 44 इंच लंबा बॉर्डर तैयार करना होगा। ये देखिए, इस तरीके से अटैच करने के बाद हम यहाँ पर एक आधे इंच चौड़ी पाइपिंग बना लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये आधा इंच चौड़ी हमारी पाइपिंग बन जाएगी एक तरफ। एक तरफ हमने इस तरीके से पाइपिंग बनाई है और दूसरी तरफ हम लेस लगाएंगे। ये गोल्डन कलर की लेस मैं ले रही हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए। इस तरीके से अटैच करेंगे इस लेस को हम। लेस लगाते हुए हमें बिल्कुल मैचिंग कलर के धागे का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल सीधी हमें लेस लगानी है इस तरीके से। ये मैंने दुपट्टे के एक पल्ले का बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हम इस बॉर्डर को दुपट्टे के साथ अटैच करेंगे। ये दुपट्टा मैं हाफ प्योर शिफॉन का दुपट्टा ले रही हूँ और ये बॉर्डर मैं इसके दोनों पल्लों पर लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से दुपट्टे से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमें इस बॉर्डर को रखना है, तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, आधे से एक इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेना है, और इस तरीके से तकरीबन आधा इंच दुपट्टा हम अंदर दबाएंगे और इस बॉर्डर को अटैच करते जाएंगे। मोटे बखिए से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और इसमें आपको दुपट्टे को बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि दुपट्टा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है और अगर खींच के लगाएंगे तो नीचे से बल पड़ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से भी हमारा तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा बॉर्डर होना चाहिए ताकि जब हम इसे पलट के लगाएं तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकें। ये देखिए, अब हमें इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है जो हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर छोड़ा था, और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से बॉर्डर अटैच करेंगे तो बहुत ही सफाई से बॉर्डर लगेगा। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और अब इस बॉर्डर को अच्छे से स्टिच कर लेंगे दुपट्टे के साथ। आपको मैं फिर से बताऊंगी कि बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी दुपट्टे को आप खींचिएगा नहीं, इसे टैप करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए और तभी ये बॉर्डर लगाइएगा, नहीं तो बल पड़ जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा बॉर्डर अटैच नहीं होगा। अब फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, अब सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से अटैच करेंगे। ये हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है दुपट्टे के साथ। ये देखिए, अब हम
इसके चारों तरफ टेसल्स लगाएंगे, जिसके लिए मैं ये 4.5 इंच का एक स्क्वायर पीस ले रही हूँ। इस तरीके से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। अब एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और एक बार फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब हम इसे नीचे से कट करेंगे, गोलाई में कट करना है हमें यहाँ से। और ये चार हमारे पीस यहाँ पर कट जाएंगे। अब हमें इनको दुपट्टे के चारों कोनों पर लगाना है, तो मैं आपको एक लगाकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, और यहाँ से सुई से हमें अच्छे से टांका लगाना है इसके ऊपर, बिल्कुल पक्का करके टांका लगाना है। तो तीन चार बार हम इस पर अच्छे से टांका लगाएंगे। अब हम इसमें एक गोल्डन कलर का मोती पिरोएंगे और इसे दुपट्टे के एक कोने पर लगा देंगे इस तरीके से। और इसे तीन चार बार अच्छे से सिल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं और निकले नहीं। ये देखिए, अच्छे से इसे तीन चार बार सिल देंगे। आप चाहे तो एक से ज़्यादा मोती भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ताकि टेसल्स थोड़े से हमारे लंबे हो जाएं इस तरीके से। और आप चाहें तो रेडीमेड टेसल्स भी लगा सकते हैं, पर मुझे इस तरह के टेसल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह से हम बाकी के कोनों पर भी लगा देंगे इनको अच्छे से। ये देखिए, मैंने दुपट्टे के दोनों पल्लों पर ये बॉर्डर अटैच कर दिया है, और इसके कमीज़ का ट्यूटोरियल भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही कम कॉस्ट में हमारा ये दुपट्टा बनके तैयार हो गया है। इसका प्रिंटेड बॉर्डर तो मैंने बचे हुए कपड़े में से ही बना लिया था, और ये जो गोल्डन कलर का बॉर्डर है ये मैंने 12 रुपये मीटर ख़रीदा है, तकरीबन 2.5 मीटर। तो 30 रुपये खर्च करके आप बहुत ही सुंदर अपना दुपट्टा तैयार कर सकते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन में आप दुपट्टे तैयार कर सकते हैं अपने हर एक सूट के साथ या हर एक कुर्ती के साथ। ऐसे दुपट्टे बना के आप पहन सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें।